कई जनों को देखा भैया इतना पकड़ लिया, मैं क्यों करा भैया चौड़ा हो जाऊंगा, निपट रहे कर कैसे रहे भाई, किस चीज की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बता दे। ये आगे आगे हो रहा है, रोटेटर होता है ना, वो एक रोटेटर कफ पे होता है ऐसे। महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब, मैं आपका नाम पंगाल, आपके पंगाल फिटनेस पे। दोस्तों आज हम वर्कआउट कर रहे हैं इंटरमीडिएट के लिए, शोल्डर का वर्कआउट है, 3D शोल्डर, क्योंकि कईयों को होता है भाई शोल्डर अच्छे करने, 3D करने, तो तीनों साइड से हिट करेंगे, फ्रंट आपका डेल्टॉइड, ठीक है, मिड और आपका रेयर डेल्ट, तो तीनों साइड से हिट करेंगे, क्रॉस वर्कआउट करेंगे, एक एक्सरसाइज फिर दूसरी, इसे बोलते हैं अल्टरनेट वर्कआउट। जब मैं फिट होता हूं, जब ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन खेलने की, तब मैं इस वर्कआउट को करता हूं, तो आप सब इसे फॉलो करें और करने के बाद अपने कीमती कमेंट करें। वर्कआउट थकाएगा जल्दी, तो जब आप जिम में जाओगे तो 40 मिनट्स में आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपकी हालत ऐसी होगी वो आपको कमेंट में करें। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है जितने भी शेड्यूल आपने करे होंगे आज तक, तो चलिए करते हैं। दोस्तों सबसे पहले करेंगे वार्म अप। हर किसी वर्कआउट में जो आप जिम में जाते हो तो सबसे पहले होता है वार्म अप। वार्म अप के बाद करेंगे वर्कआउट, तो इंजरी से बचे रहेंगे, और जब वार्म अप अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा करेगा वर्कआउट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले जंपिंग पीटी। शोल्डर का वर्कआउट करेंगे तो कईयों को पेन रहता है हमेशा, इस कंधे में या इस कंधे में देखा होगा भाई, इसमें ज्यादा पेन है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है पहले अपने रोटेटर कफ का वर्कआउट करें, मतलब 20 कम से कम 20 रोटेट करें दोनों, जैसे ये है ना, ये ठीक है, 1 2, क्योंकि जो शोल्डर होता है ना वो एक रोटेटर कफ पे होता है ऐसे, और सिर्फ एक ही चीज ऐसी है पूरे शरीर में शोल्डर जो कहीं भी रोटेट करता है, ठीक है, तो ये आपके ये रोटेटर कफ है, इसके अंदर ऐसे है, इसमें घूमता है, तो इसको घुमा लेते हैं पहले। इसका सिर्फ एक ही वार्म अप है, वो ये है, 20 टाइम्स रोटेटर कफ को रोटेट करेंगे, ठीक है, ये सिंपल है। और कई जने और अच्छा वार्म अप करना चाहते हैं तो मशीन से कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूं आपका ऑल्टरनेट, अगर मन करे तो आप कर लेना, मैं तो दोनों करता हूँ वार्म अप में, तो दूसरा दिखा देता हूँ। कई जने इसे डंबल के साथ करते हैं, डंबल से रोटेट होगा ही नहीं, क्योंकि डंबल का जो वेट है ना वो जमीन की साइड है, ग्रेविटी है, और जिसमें ग्रेविटी होगी वो आपके शोल्डर को डाउन करेगा, तो ऐसे ऐसे कैसे रोटेट करोगे। तो मशीन का क्या है, अब इसमें क्या है, ये अब इसका वेट नीचे नहीं जा रहा नीचे, और डंबल में क्या है, डंबल में वेट जाएगा नीचे की साइड, अब इसमें ये रोटेट डाउन, ऐसे छोड़ना नहीं है, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है, दूसरे हाथ का इस साइड से, तो ये वार्म अप शोल्डर का, एक ये हो गया और एक ये, तो ये वार्म अप करने के बाद स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आपकी, सबसे पहले करेंगे आपकी मिलिट्री प्रेस, जितने आपके शोल्डर की चौड़ाई है उसके हिसाब से मिलिट्री प्रेस करेंगे, 15 रेपिटेशन पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे आपकी फ्रंट रेजेस, ऑल्टरनेट करेंगे ये, इसमें मतलब पहले एक फिर दूसरी, ऐसे 4 सेट करेंगे तब आपकी पहली एक्सरसाइज होगी, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट वर्कआउट। एक आपकी मिलिट्री प्रेस, एक आपकी डंबल से फ्रंट रेजेस, करके दिखाता हूँ। रेपिटेशन होंगे पहले सेट में 15, दोनों के 15, दूसरे में 12, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। वो रेपिटेशन कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। तो स्टार्ट करते आइए, सबसे पहले करेंगे आपकी मिलिट्री प्रेस, एक 15 रेपिटेशन करेंगे, ग्रिप जितनी आपको बताइए अपने शोल्डर के हिसाब से, ये मेरा पहला सेट है, वेट अपने हिसाब से लगाना आपको जो सही लगे, जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है उसके हिसाब से इक्वल ग्रिप होगी दोनों साइड, ये वन टू थ्री फोर, तो ऐसे 15 रेपिटेशन करने आप, दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज की ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करें, दूसरी जो एक्सरसाइज करेंगे आपकी डंबल फ्रंट रेजेस, एक आपकी मिलिट्री प्रेस, एक फ्रंट रेजेस, ऐसे 4 सेट करने हैं, पहले 15 12 10 10, ये रेपिटेशन होंगे, ये 1। और कई जने पूछते हाथ कितने जाएंगे, इतने जाएंगे, सिंपल सा एक थंब रूल है, जहां आपकी नोज है ना नाक के सामने, ये हो गया 1 2 3 4, ये वेट हर बारी में इंक्रीज होगा जितने आप सेट करोगे, पहला दूसरा तीसरा, चाहे थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा लेना, और जर्क बिल्कुल नहीं आएगा, ये कईयों को देखा होगा जिम में, ये नहीं करना, झूला नहीं झूलना, सिंपल ये 1 2, ये करना है 1 2
फ्री, ये पोजीशन रहेगी और इतनी स्पीड रहेगी बस, ज़्यादा तेज नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं। दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी बारबल प्रेस कर रहे हैं शोल्डर की बैक में, और जिसकी भी नेक में प्रॉब्लम है बैक में पेन है वो इस वर्कआउट को ना करें, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये और इंजरी दे देगी आपको बैक को। फिट हो बिल्कुल फाइन हो तो इस वर्कआउट को कर लेना। जितनी हमारी फ्रंट में ग्रिप थी उससे सिंपल सा ये चार उंगली है ना इनका अंदाज़ा लगा के थोड़ा वाइड कर लेना, क्योंकि फ्रंट की एक्सरसाइज कोई भी होती है पकड़ तो कम होती है और बैक की थोड़ी वाइड होती है, और इतनी भी वाइड नहीं होती। कई जनों को देखो भैया इतना पकड़ लिया, मैं क्यों करा भैया चौड़ा हो जाऊंगा फिर एक काम करते तेरे को पेड़ से बांध ही देते हैं, दो दिन तक तो इतना चौड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, शरीर अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको वर्कआउट एक्यूरेट करना होता है, डाइट प्रॉपर लेनी होती है, रेस्ट पूरा करना होता है, तब जाके मसल रिपेयर होती है, ना किसी माल से होती है, ना कोई ऐसा जादू है, ठीक है। करोगे तो होगा, नहीं तो फिर अपना देखे जाओ वीडियो। ये और कई जने क्या करते हैं बिल्कुल यहाँ टच करते हैं, ये कुछ नहीं करना, बस कान तक लाओगे ना तो मसल एक्टिवेट हो जाती है यहाँ पे, इतने में होगी बस, पूरा अप ये और ये, 1 2 3, ये पूरा ऐसे नीचे लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं से 1 2 3, ये 15 रेपिटेशन होंगे। और दूसरी एक्सरसाइज होगी ऑल्टरनेट में, वो होगी आपकी लैटरल रेज, जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है, जो ऑल्टरनेट एक्सरसाइज सेकंड में, वो करनी है आपको लैटरल रेजेस। अब कई जने पूछते हैं भाई इसमें यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई यहाँ से लैटरल रेजेस करता है, ये कईयों को देखा होगा साइड से करते हैं बिल्कुल, ये तो सिंपल है ना, बिल्कुल फ्रंट से करो ना बिल्कुल साइड से, मिड ये 1 2। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, वो क्या है, जैसे हाथ है ये ऊपर जा रहा है तो तीनों चीज इक्वल हो एक, या फिर दूसरा आपका डेल्टॉइड आपकी एल्बो स्ट्रेट हो, और सबसे बेस्ट तो है तीनों तीनों इक्वल हो, ये 1 ये ये ये, ठीक है। और कई जनों को आपने जिम में देखा होगा डंबल ले लेंगे, भाई मेरे डेल्टॉइड नहीं बढ़ रहे, कर कैसे रहे हैं, भाई किस चीज की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बता दे, ये आगे आगे हो रहा है, तू यूं हो रहा है और आवाज निकल, ये क्या हो रहा है, हैं वो, चलो छोड़ो मैं बोल नहीं सकता इसमें। तो सिंपल सा करना है, ज्यादा हैवी वेट के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना ये आपकी मूवमेंट्स की एक्सरसाइज है, इस पे मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान होता है, ये जब जान आएगी ताकत होगी तब यही वेट बड़ा हैवी वेट आराम से ऐसे जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन अभी ये करना है 1 2 3, 15 रेपिटेशन करने हैं। दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले करेंगे डंबल प्रेस, रेपिटेशन 15 12 10 10, इसके बाद करेंगे अपराइड बारबल से। तो ऑल्टरनेट एक्सरसाइज है, एक ये एक वो, एक ये एक वो, ठीक है। तो ग्रिप बिल्कुल टाइट, हर बारी में वेट थोड़ा इंक्रीज होगा, ये ग्रिप, ये 1 2। अब कई जने क्या करते हैं ऊपर ना ऐसे बजाते टन, अरे मंदिर में थोड़ा ना रखे घंटा बजाने, बस ये स्ट्रेट हो गया काम, यहां आए बस ये 1 2 3 4, ये। तो ऊपर जाके जरूरी नहीं है कि दोनों डंबल जाके आपके बजेंगे, मैंने जिमों में बहुतों को देखा है तो इसलिए बता रहा हूँ, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वही आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मसल को ना वर्कआउट करके जैसे लास्टिक काम करती है ना रबड़ वाली, ऐसे काम करके रिलैक्स, और कईयों का क्या होता नीचे रेस्ट कर लेते हैं, 1 2, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ये, ठीक है, अभी मसल एक्टिव नहीं हुए, अब जब हो गई है तो 1 2 3 4, जब 15 हो जाएंगे तो फिर आराम से उतारा, एक छोड़ा दूसरा छोड़ा, तब रेस्ट ले सकते हो। और जो ये वर्कआउट है इसमें सिर्फ 20 सेकंड का रेस्ट काफ़ी है, क्योंकि ऑल्टरनेट वर्कआउट है, ये आपको शार्प भी करेगा और आपके मसल भी गेन करेगा। कई जन पूछते हैं ना कि हमें भाई तगड़ा भी साथ में होना है, कटिंग भी साथ में होनी है, तो यही है वो वर्कआउट, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि रेस्ट कम होता है। अब इसके बाद सीधा
अपराइट। तो दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज भी ऑल्टरनेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपराइट रोइंग। एक बारबेल लेना है, थोड़ा बड़ा लेना क्योंकि जिम में ना एक छोटे वाले होते हैं बाइसेप्स वाले, उससे थोड़ा वाइड लेना क्योंकि एल्बो में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले इतनी ग्रिप लेते थे, लेकिन कोशिश करना थोड़ा वाइड ले लें क्योंकि जिनके रिस्ट में प्रॉब्लम रहती है ना यहाँ, उनको इस वाले में दिक्कत आती है, जैसे ऊपर जाते हैं तो मुड़ जाते हैं। थोड़ा सा वाइड लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके शोल्डर के लिए, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ एक बार, इतनी ग्रिप रहेगी, इतनी वाइड जितना मेरे शोल्डर है ना, ये अगर पास से पकड़ते हो तो रिस्ट में पेन होने लग जाता हैवी वेट में। थोड़ा रेपिटेशन, पहले में 15-12 वही सेम। ये स्टार्टिंग पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, ये 15 रेपिटेशन करने हैं। दोस्तों तीन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, वैसे तो 6 बोलेंगे क्योंकि अल्टरनेट थी। लास्ट एक्सरसाइज आपके रियर डेल्ट के लिए, जो हमारे रियर डेल्ट को हिट करेगी, क्योंकि मैंने कहा था तीन साइड से हिट करेंगे शोल्डर को, जब ही जाके आपका 3D शोल्डर दिखेगा। क्योंकि जब आप सैंडो में कहीं जाओगे ना, तो आपका शोल्डर ऐसा रखेगा जैसे रखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें रियर डेल्ट का वर्कआउट को हिट करना होगा शोल्डर को रियर डेल्ट से। और इसके रेपिटेशन करेंगे हम 15 ही रेपिटेशन होंगे, 4 सेट होंगे, तो करते हैं वर्कआउट, आ जाओ। तो लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके रियर बेल्ट के लिए, केबल पे करेंगे और क्रॉस केबल करेंगे इसको, ठीक है। वेट अपने हिसाब से जो आपको सही रहे, ये 1, 2, 3। और यहां पे कोशिश करना कि 1 सेकंड का होल्ड हो जाए, और कईयों को देखा होगा 1, 2, 3, तो ये क्या था, ये सिर्फ टाइम बर्बाद था और कुछ नहीं। मतलब मसल को लगना चाहिए कि आपने वर्कआउट किया, और कब होगा जब आप मसल को स्क्वीज करोगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड, ये जैसे यहां पे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 15 रेपिटेशन करने हैं। और लास्ट एक्सरसाइज में अल्टरनेट नहीं करना है, लास्ट एक्सरसाइज में सिर्फ रियर डेल्ट को हिट करना है 15 रेपिटेशन, 4 सेट। तो ये शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है ये आपको बताना है, क्योंकि मैं फोटो वीडियो लगा दूंगा। आज हो गया हमें 48 डे, आज 48 डे है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।